जगमगाते रहे, सबके घर झिलमिलाते रहे, साथ हो हमेशा अपनों का, सब यूं ही मुस्कुराते रहे। वेलकम बैक टू दिल से मॉमी। सबसे पहले मेरी तरफ से सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली दीपों का त्यौहार है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दीपावली का त्यौहार अमावस्या की रात को मनाया जाता है। अमावस्या के अंधेरे को दूर करने के लिए लोग दिए जलाते हैं। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार से, मित्रों से खुशियां बांटते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से लोगों की जिंदगी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। हम सब यही प्रार्थना करेंगे भगवान के आगे कि हे भगवान, जितने भी ये कष्ट लोगों ने इन 2 सालों में देखे हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए और सबको भगवान तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती सबसे बड़ा धन है। सबको जीवन चलाने के लिए उनकी आविका दे और हर परिवार में एक दूसरे के लिए जो स्नेह है वो हमेशा बरकरार रखे और सब लोगों की ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाए और सबकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। शौर्य ने आज बहुत सारी मस्ती भी करी, ज़िद भी करी, रोया भी, वो चिड़चिड़ाया भी, मतलब उसके मूड स्विंग हो रहे थे। मैंने ये जनरली देखा ही है, जब आप कभी ज़्यादा बिजी रहते हो या घर में कोई फंक्शन हो या घर में कोई और त्यौहार हो, उस दिन बच्चे और आपको परेशान करते हैं। तो पेरेंटिंग अपने आप में एक चैलेंज है। अभी मैं तो शूट कर रही हूँ लेकिन शौर्य के पापा शौर्य को सुला रहे हैं। सो आई कैन से पेरेंटिंग एक टीम वर्क है, मतलब जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। अभी आपको डे में ऑफ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ एज अ टीम वर्क करते हैं तो वो चैलेंज कब आपका निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, लेकिन ये तो पार्टी या पेरेंटिंग का। अगर पेरेंटिंग इतनी आसान होती तो क्या बात थी। आज इस व्लॉग में हम देखेंगे हमारे घर के दिवाली के दिन की छोटी सी झलक और देखेंगे शौर्य की ढेर सारी मस्ती भी। और अगर आप मेरे साथ आगे तक के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज की झलक। मॉर्निंग हमारे शौर्य की हो चुकी है और सुबह उठते ही उसने अपना बैग टांग लिया है, गन टांग ली है और शौर्य के पापा शौर्य को कह रहे हैं मिल्क पियो, और शौर्य मिल्क पीने में हल्का सा नाटक कर रहा है। फिर शौर्य के पापा कहते हैं ये लो पकड़ो गिलास और खुद से अपना मिल्क फिनिश करो। शौर्य गिलास लेते लेते सीढ़ियों पर जाता है, कहते हैं आज तो मैं सीढ़ियों पर खड़े होकर ही मिल्क सारा फिनिश करूँगा। सो सीढ़ियों पर खड़े होकर ही उसने अपना पूरा गिलास का मिल्क फिनिश करा धीरे धीरे, और फिनिश करने के बाद दिखा था ये लो मम्मा मैंने पूरा फिनिश कर दिया। अब ऊपर से शौर्य के पापा रूम से नीचे आ रहे हैं, उनको भी दिखाता ये लो पापा मैंने पूरा फिनिश कर दिया। पापा कहते वेरी गुड शौर्य, आपने पूरा मिल्क फिनिश कर दिया। शौर्य कहाँ जा रहा है? डोसा लेने। ओके। ओ, ये तो गेट खुला हुआ था भाई। शौर्य हाँ मजे से रहेंगे। चलिए शौर्य तो जा रहा है ब्रेकफास्ट लेने अपने पापा के संग। जब तक शौर्य वापस आता है हम कर लेते हैं कुछ काम। मम्मी फ़िलहाल डाल रही हैं छोटी सी प्यारी सुबह सुबह रंगोली और उसके बाद हम देखेंगे आगे व्लॉग में क्या होता है। सो शौर्य अब हमारा बस वापस आने वाला है। खा लोगे पूरा डोसा? नहीं। हाँ सबके साथ शेयर करके खाएगा। जा तो करी नहीं आज दिवाली है। हाँ दिवाली अच्छी वाली है। अच्छी वाली, अच्छी वाली, फिर डोसा नहीं मिलेगा। अच्छी वाली खाओ ना। खा रहा तो हूँ। अच्छा खा रहे हो? पूजा पूजा कैसा है शौर्य बताओ? अच्छा है, मजा आ गया। थोड़ा सा मजा आ गया। थैंक यू मम्मा। ओके वेलकम। पहले उतना तो खा लो। ये लो जरा बाइट। मुझे पूजा करना है। पूजा कहाँ से करते हैं? अपने भाई ने कर ली? नहीं करी ना? आज मैं कर ली। नहीं
दोनों ने नहीं करी, दोनों बैड बॉयज, दोनों नहीं कर लेंगे साथ में, है ना, दोनों बैड बॉयज। चलिए ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और शौर्य देखिए अभी भी मस्ती उसकी चालू है, इसको कहीं से इसके फ्लैश कार्ड्स मिल गए, उठाए और अब इसको सीढ़ियों पे सजा रहे हैं। बच्चों की शरारतें चालू रहती हैं। हैप्पी दिवाली सब लोगों को। आज हम देखेंगे वीडियो में क्या क्या हम दिवाली पे करने वाले हैं। अभी सजावट अभी भी करनी बाकी है, थोड़ी लाइटें भी लगनी बाकी हैं। फिलहाल शौर्य अपने पापा के संग नीचे क्रिकेट खेल रहा है। हाय शौर्य, What are you doing? शोर क्राई कर रहा है कि शर्ट ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, अरे यार, ऐसा होता है बेटू। भाई जी धूप सेक रही हैं। शौर्य को अब हम ऊपर ले आए हैं ताकि उसको हम लोग नहला दें, नहलाने के बाद उसको खाना खिला दें और फिर उसको सुला दें, क्योंकि बहुत सारे काम अब तभी होंगे जब शौर्य थोड़ी देर रेस्ट करेगा और बाकी के काम हम सब लोग फटाफट निपटाएंगे। यहाँ पापा बैठकर बना रहे हैं फूलों की माला सारे गेटों पे लगाने के लिए, और साथ ही साथ हमारी भाई जी भी बैठ चुकी हैं दियों की बत्तियाँ बनाने के लिए। दिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिवाली का। शौर्य के पापा भी लगे हैं गेट पे, कुछ लाइटें टंगनी बाकी थी उनको टांग रहे हैं। मैं भी उनकी हल्की फुल्की हेल्प कर रही हूँ इस चीज़ को करने में, और यहाँ मम्मी लगी हैं किचन में रात का खाना प्रिपेयर करने में। कहने का मतलब घर में जितने लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं दिवाली की तैयारियों में। शाम के लिए नाश्ते की प्लेट भी लग चुकी है। पापा फिलहाल टांग रहे हैं सारी मालाएं। इन मालाओं को भी अब हम टांगेंगे अपने मेन गेट पे, जिसके लिए शौर्य के पापा बहुत ही अच्छे से लग चुके हैं। सो पापा की तो मेन गेट पे सारी मालाएं लग चुकी हैं और ये घर में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और साथ ही साथ शौर्य के पापा ने भी ये मालाएँ पूरे गेट पर टांग दी हैं। उधर दूसरी साइड मम्मी का रायता भी तैयार हो चुका है दही का, और मम्मी ने छोले की सब्जी भी बना रही है। कहने का मतलब तैयारियां भी चल रही हैं, रात का डिनर भी प्रिपेयर हो रहा है। बाहर की सजावट पूरी हो गई, अब हम थोड़ी सी अंदर की सजावट कर रहे हैं। थोड़े से फ्लावर्स हैं जो अपने घर के अंदर भी लगा रहे हैं, और मम्मी लेके आ गई हैं केले के पत्ते, और शौर्य हमारा सो के अब उठ चुका है। क्या लगा है वो हाउस में? अभी तो शौर्य हमारा सो के उठा, तो अभी उसकी नींद अभी भी आंखों में ही है। पापा आ रहे हैं। वाओ, देखो वाओ, इधर भी कहाँ पे लगाए, उस पे भी लगाएंगे अपन ट्रीज पे। वो गेट तो देखो आप अपना, ये देखो गेट तो देखो जाके, देखो बताएं। ओ ये देखो ये वाला शौर्य, ये अरे यार शौर्य कार को तो भूल ही गए थे हम। सही बोला है यार मेरे बेटे ने। ये कौन से असली है कि नकली? अच्छा, आपको कैसे मालूम ये नकली है? अच्छा अच्छा, पापा तो आ गए। शौर्य कह रहा गाड़ी पे तो लगाया नहीं आपने, भूल गए, भूल गया। टीचर है, अपन वेलकम करते हैं राम जी का। राम जी बहुत समय बाद बाहर से आ रहा है ना, इसलिए कहाँ है वो? हाँ वाओ, नमस्ते राम जी। स्वीट्स खिलाएंगे, ओके। ओ वाओ पापा देखो, पापा ये अच्छे से लगाया। अब मैं बाहर लगा, बाहर लगाना बेटा उसको, बाहर नहीं इसको यहीं पे लगाना, वहां पे गेट पे, गेट पे नहीं वो वाले गेट पे। पापा ये ला। हैप्पी दिवाली तो बोल दो। तो फिलहाल अभी तैयारियां चल ही रही हैं, फूल जगह जगह लग रहे हैं, और शौर्य भी हमारा सो के उठ चुका है। शौर्य आर यू एक्साइटेड? ये हमारे शौर्य भी एक्साइटेड है। शौर्य आज आप कौन कौन से क्रैकर्स जलाओगे?
दिवाली के। दिवाली के? हाँ, रखे में छुपा के। हमने छुपा के रखे हैं? हाँ। लेकिन आप मम्मा को दे दोगे प्लीज? फिलहाल भी फूटोगे। आप नहीं फूटोगे? मुझे वो छोटे छोटे वाले दे देना प्लीज। अच्छा, मुझे भी दे देना बाल, ठीक है? हाँ, गले गले तो मुझे अब नहीं। हाँ? अभी मैं महंगे वाले लेके आ रहा हूँ। महंगे वाले लेके आ रहे हो मेरे लिए? हाँ, कार में बैठ के। तो एक पार्सल दे दो मम्मा को, थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आया बेला ललकम। शाम के बज चुके हैं 5 और तैयारी लगभग कंप्लीट हो रही है। मम्मी और दादी मिलके कर रही हैं पूजा की तैयारी। सो देखते हैं आगे व्लॉग में क्या क्या होता है, और आप हमारे साथ आगे तक के लिए जुड़े रहिए। और अगर हाँ। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को देखिए, लाइक कीजिए। बाय बाय। देखिए देखिए आगे और व्लॉग में क्या होता है। हाँ। आज हमारा शॉर्ट हेयर क्या पहनने वाला है? ये कपड़े पहनेगा जैसे अभी हाल में पहनी है, पुलिस वाली। हाँ, शॉर्ट हेयर तो आज पुलिस मैन बना। हाँ, जाती पुलिस मैन को, तो पुलिस मैन को लग जाती। ये कौन से मिल गई? मम्मी को पूरी काटूंगा और दादी को कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। अच्छा। शाम के 6 बज चुके हैं और हम डाल रहे हैं थोड़ी सी रंगोली अपने गेट के बाहर, और शौर्य के चाचू भी बना रहे हैं अपनी रंगोली, और दूसरी तरफ भाई जी लगी हैं मंदिर की सारी तैयारियां करने में। एक रंगोली बिगड़ने के बाद दूसरी रंगोली बनाते हुए यहां पे ये अभी बना ले हाँ। अभी पूजा हो जाएगी, उसके बाद फिर खेलेंगे। अच्छा, ये बताओ ये कौन सा कलर हमने कर दिया? ये ऑरेंज वाला किस पर रखा है? ये देखो, इसमें ब्लू है, येलो। अभी इसमें कौन सा कलर करना? ब्लैक। अभी इतना रो रहे थे आप रंगोली के लिए, अब क्या हुआ? ये देखो ब्लैक, ब्लैक कलर कर दो, जल्दी करो, मम्मा के हैंड सारे वो हो गए। जब हम सब रंगोली बना रहे थे तो शौर्य उस टाइम इतना रो रहा था कि मुझे कलर नहीं करने दे रहे, मुझे कलर नहीं करने दे रहे, लेकिन जब करवा रहे थे तब करना नहीं था। सो सारी रंगोलियां हमारी बन चुकी हैं। हमारे घर में ऐसा लग रहा था कि जैसे रंगोली कॉम्पिटिशन है, जगह जगह रंगोली बना रहे थे सब। शौर्य के चाचू ने बहुत सुंदर ये रंगोली बनाई है, बहुत ही प्यारी रंगोली लग रही थी। चलिए, तैयारी लगभग सारी हो चुकी है, अभी फ़िलहाल हम शाम के लिए रेडी हो रहे हैं। घर भी पूरा अच्छे से सज चुका है। शौर्य हमारा शाम की पूजा के लिए रेडी हो रहा है। बड़ी मुश्किल इसको ऊपर लेके आए थे कि ऊपर आ जाओ, मस्ती थोड़ी देर बंद कर दो और शाम के लिए रेडी हो जाओ। शौर्य आओ। हाँ, दो पैक कर लेना। ओके। और दो एक बनाना एप्पल एंड मौसमी पैक करना है। हाँ। ओके, हम कर देते हैं, कर दे। इधर से आओ, ये गेट ओपन है। तो शौर्य को फिर सबसे पहले रेडी करने के बाद मैंने उसको तो कुछ खिला दिया शाम को पूजा होने से पहले, क्योंकि जब पूजा होती है सारी शाम इतनी जल्दी निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता। एटलीस्ट जब उसने कुछ खा लिया है तो खाने की ज़्यादा जल्दी नहीं रहेगी। सो हमारे घर अब सब लोग आ चुके हैं। देखो आ गए राम जी। हाँ, जय जय करेंगे, वेलकम कर दो। अगर आप बच्चों को त्योहारों से जोड़ेंगे तो बच्चों में मेल मिलाप की भावना भी बढ़ेगी, क्योंकि त्योहार तो होते ही हैं मिलजुल कर मनाने के लिए। अपने बच्चों को त्योहार पर अपने रिश्तेदारों, परिचितों, पड़ोसियों के यहाँ जरूर लेकर जाएं, जिससे कि सबसे घुले मिलें और त्योहारों को मिलजुल कर मनाना सीखें वो लोग।
जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम अपने घर की साफ सफाई और उसे सजाने में जुट जाते हैं। इस काम में बच्चों को भी शामिल करें जिससे उनके मन में भी त्योहारों के आने की खुशी बनी रहे। अगर आप रंगोली बना रहे हैं तो बच्चों को भी उसमें रंग भरने दें। घर को यदि खूबसूरत लड़ियों से सजा रहे हैं तो बच्चों की भी मदद लें, इससे त्यौहार के प्रति उनका उत्साह बना रहेगा। मान्यता है कि भगवान राम इस दिन लंका पर विजय प्राप्त करके अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में पूरे राज्य को दीपों से सजाया गया था, तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। लोग दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं। इस दिन धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी और गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। दिवाली में हर कोई अपने घर की सफाई कर उसे सुंदर दिखाना चाहता है। चलिए इसी के साथ हमारे घर की आरती भी पूरी हुई। वीडियो में आप देखिए शौर्य और शौर्य की मस्ती तो वो चालू है, उसको इतना मज़ा आ रहा था, उसका तो पूरे टाइम डांस रुका ही नहीं। बैग पीठ पे होना चाहिए और गले में बंदूक होनी चाहिए और फिर डांस करते रहो करते रहो। माता की जय। देखना पीछे दिया। हाँ ये क्या करोगे इतने सारे क्रैकर्स? हाँ आप तो वैसे ही डर रहे हो। ये हमारी 85 साल की भाई जी, ये 90 और हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, खुशी की दिवाली, शौर्य की दिवाली, छोटू की दिवाली। मैंने बताओ 8 बन रहा है, 0 बन रहा है, 9 बन रहा है। सागर भरी खुशियां, आसमान भरा प्यार, मिठाई की खुशबू, दीपों की बहार, मुबारक हो आप सब लोगों को दिवाली का त्यौहार। चलिए पूजा हो चुकी है, भूख भी सब लोगों को बहुत ज़बरदस्त से लगी है। सब अब हम करने जा रहे हैं डिनर। वो बैग नहीं उतर रहा। ऊपर से बच्चे मन के सच्चे होते हैं, हम उनको जैसे सांचे में ढालेंगे वो वैसे ही ढलते जाते हैं। बच्चे अगर कोई गलती करते भी हैं कभी भी उनको मार के नहीं, हमेशा उनको प्यार से समझाइए, वो लोग ज़रूर समझेंगे। और वो लोग इतने मासूम होते हैं कि सारी बातें अपने आप ही सबको बताते रहते हैं। चलिए ये रही हमारे घर की छोटी सी प्यारी सी इस दिवाली की झलक। मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों ने भी अपने परिवारों के संग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दिल से मामी।